नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि वह महिलाओं को नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी NDA में दाखिला लेने के लिए जरूरी सभी इंतजाम अगले साल मई तक पूरे कर लेंगे। सरकार ने कहा कि चूंकि व्यवस्था बदल रही है तो नई तैयारियां करने में वक्त लगेगा। हलफनामे में कहा गया है कि अतिरिक्त वॉशरूम, हॉस्टल और केबिन जैसी चीजें बनाने में अतिरिक्त समय लगेगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अगस्त में महिलाओं को NDA में जाने का रास्ता साफ कर दिया था। इससे पहले केवल पुरुष ही NDA में प्रवेश ले सकते थे। ऐसे समय जब अदालतों में लंबित पड़े मामलों की तादाद लाखों में है और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 8 हाई कोर्टों में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। इसके अलावा 5 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और 17 जजों के तबादलों की भी सिफारिश की गई है। इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल भी शामिल हैं, जिन्हें पदोन्नति देकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश भी की गई है। ऑकस समझौते के बाद से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से खफा चल रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने इस दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिलकर काम करने पर प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार दोनों ने अफगानिस्तान के हालात, आतंकवाद, महिला और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के पास कश्मीर के लिए एक दृष्टिकोण था, लेकिन केंद्र में वर्तमान सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करने पर तुली हुई है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र में BJP सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि दिल्ली वाले जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां पर प्रयोग कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता अनंत गीते ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार पर निशाना साधा है। अनंत गीते ने रायगढ़ में एक कार्यक्रम में कहा कि शरद पवार ने कांग्रेस की पीठ में खंजर घोंपकर अपनी पार्टी बनाई थी, इसलिए शरद पवार शिवसैनिकों के गुरु नहीं हो सकते। अनंत गीते के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई है। NCP ने गीते के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गीते चुनाव हार गए हैं और उनका अस्तित्व खतरे में है, इसलिए वह ऐसा बयान दे रहे हैं। शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने अनंत गीते के बयान को लेकर कहा कि निसंदेह NCP प्रमुख शरद पवार देश के नेता हैं, ये बात सबको पता है। उन्होंने कहा कि शरद पवार की राजनीति के बारे में किसी भी बयानबाजी से बचना चाहिए। राउत ने कहा कि शरद पवार का ही प्रयास था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, NCP और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई थी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी सोमवार को प्रयागराज में मृत पाए गए। पुलिस के मुताबिक महंत का शव फंदे से लटका हुआ मिला और आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद हिंदू साधुओं का एक संगठन है और इसी के वे प्रमुख थे। पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला बताया। प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। सुसाइड नोट में जिस शिष्य आनंद गिरी का जिक्र था, उसे हरिद्वार से हिरासत में ले लिया गया है और प्रयागराज से भी 2 पुजारियों को हिरासत में लिया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत को लेकर शिवसेना हमलावर हो गई है। शिवसेना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का गला घोंटा गया है। इसके साथ ही शिवसेना सांसद संजय राउत ने महंत की मौत की CBI जांच की मांग की है। वहीं NCP प्रवक्ता नवाब मलिक ने योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि महंत के राज में ही महंत सुरक्षित नहीं है। BJP, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाएं भले ही पूरे देश में ये नैरेटिव तैयार कर रही हों कि हिंदू धर्म खतरे में है, केंद्र सरकार ने इससे इनकार किया है। केंद्र सरकार ने हिंदू धर्म को खतरे में होने की आशंका को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि यह काल्पनिक है, सच्चाई से इसका कोई वास्ता नहीं है और उसे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर हिंदू धर्म को खतरे में होने की बात कही जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता मोहनीश जबलपुरे के एक RTI सवाल के जवाब में ये कहा। जबलपुरे ने गृह मंत्रालय से इसके सबूत मांगे थे कि हिंदू धर्म खतरे में है। गृह मंत्रालय के चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर VS राणा ने जबलपुरे के ITI आवेदन के जवाब में कहा कि वे वही जानकारी दे सकते हैं जो उनके पास है। उन्होंने आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के काल्पनिक सवालों का जवाब देना संभव नहीं।
बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण में केरल तक धर्म परिवर्तन को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है और कथित लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाए हैं और कुछ जगहों पर बनाने की बात कह रहे हैं, पर सच उनके दावों के उलट है। दरअसल केरल के आंकड़े बताते हैं कि धर्म परिवर्तन कर हिंदू बनने वालों की तादाद दूसरे धर्म अपनाने वालों की तुलना में ज़्यादा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार साल 2020 में जितने धर्म परिवर्तन हुए हैं उनमें से 47% मामलों में लोग हिंदू बने हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि केरल में 2020 में धर्म परिवर्तन के 506 मामले हुए, इनमें से 241 मामलों में लोग इस्लाम या ईसाइयत छोड़कर हिंदू बने हैं। दूसरी ओर 114 लोग मुसलमान व 119 लोग ईसाई बने। जितने लोग मुसलमान और ईसाई बने हैं उस संख्या को जोड़ने से भी ज़्यादा लोग हिंदू बने हैं। दिलीप घोष की जगह नए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए सुकांता मजूमदार ने कहा कि अगर कुछ लोगों को लगता है कि उनके छोड़ने से बीजेपी खत्म हो जाएगी तो ये नहीं होने वाला है। उन्होंने इसके साथ ही टीएमसी को एक परिवार की पार्टी बताया और कहा कि बीजेपी की लड़ाई पश्चिम बंगाल में तालिबानीकरण से है। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जो बंगाल को अफगानिस्तान बनने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उरी हमले की 5वीं बरसी पर जम्मू कश्मीर में सीमा पार से बड़ी घुसपैठ हुई है। इसको नाकाम करने के लिए सेना ने अभियान छेड़ा है। इसके तहत उरी क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि हाल के वर्षों में आतंकवादियों का ये सबसे बड़ा घुसपैठ का प्रयास है। बता दें कि हाल के दिनों में अफगानिस्तान में तालिबान के वापसी के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। रिपोर्टों में सेना के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि घुसपैठ की कोशिश का पता शनिवार देर शाम को चला था। घुसपैठ की ये कोशिश तब हुई है जब 18 सितंबर को ही उरी हमले की बरसी थी। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि तालिबान ने सत्ता संभालने के बाद से ही मानवाधिकार को खत्म करना शुरू कर दिया और वो आम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। दक्षिण एशिया के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल के उपनिदेशक दिनुष्का देसानायके ने एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के बाद से केवल 5 हफ्तों में तालिबान ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि वे मानवाधिकारों की रक्षा या सम्मान करने में गंभीर नहीं हैं। एमनेस्टी ने कहा कि तालिबान द्वारा बदला लेने के लिए किए जा रहे हमले, हम महिलाओं पर प्रतिबंध से लेकर प्रदर्शनकारियों और मीडिया पर कार्रवाई को हम पहले ही देख चुके हैं। ब्रिटेन के नए यात्रा नियमों से भारतीय वैक्सीन लगाए उन लोगों को परेशानी हो सकती है जो वहां की यात्रा करने वाले हैं। दरअसल ये नए नियम भारतीय वैक्सीन लगाए लोगों को बिना टीका लगाए हुए मानेंगे। इसका मतलब है कि ऐसे लोगों को कई पाबंदियों से गुजरना होगा। ब्रिटेन के नए नियम उसी दिन आए हैं जिस दिन अमेरिका ने कहा कि वह नवंबर से पूरी तरह से टीका लगाए लोगों के लिए यात्रा में छूट देगा और इसमें भारत भी शामिल है। ब्रिटेन के इन नए नियमों का भारत ने विरोध किया है। उसने चेतावनी दी है कि यदि वह भारतीय वैक्सीन को छूट नहीं देता है तो ब्रिटेन की वैक्सीन लगाए उसके नागरिकों को भी भारत में ऐसे नियमों का सामना करना पड़ सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।